आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज एनएफए। ये लेक्चर एक्चुअली मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं इसको सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ एज पर द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। इससे पहले हमने स्टडी किया था व्हाट इज डीएफए क्या है, टीओसी क्या है, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एनएफए, बेसिक ऑफ एनएफए। व्हाट इज एनएफए? एनएफए रेफर्स टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स नॉट फाइनाइट, नॉट डिटर्मिनिस्टिक, नॉट फाइनाइट। देर आर मल्टीपल चॉइस एट ए पर्टिकुलर स्टेट। द टर्म नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन एनएफए मीन्स दैट एनएफए कैन एग्जिस्ट इन और कैन मेक ट्रांजिशन टू मैनी डिफरेंट स्टेट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम्स। मीन्स क्या है कि यहाँ पे यू कैन मेक द ट्रांजिशन ऑन डिफरेंट स्टेट एट विद अ पर्टिकुलर सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सीइंग द कोरस्पोंडिंग टू इनपुट अल्फाबेट बी, इनपुट अल्फाबेट बी के कोरस्पोंडिंग आपने इस स्टेट में भी ट्रांजिशन कर दिया और इस स्टेट में भी ट्रांजिशन कर दिया, मीन्स विद पर्टिकुलर इनपुट अल्फाबेट यू कैन मेक द ट्रांजिशन मोर देन वन ट्रांजिशन एट डिफरेंट स्टेट एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड एनएफए। बट इन डीएफए देर इज ए यूनिकली ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग टू द पर्टिकुलर इनपुट अल्फाबेट। इन एनएफए ट्रांजिशन आर नॉट यूनिकली डिटरमाइंड, ट्रांजिशन जो है यूनिकली डिटरमाइंड नहीं की जाती है बाय द इनपुट सिंबल के द्वारा और सोर्स स्टेट। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो भी ट्रांजिशन होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं की जाती है। मीन्स क्या है कि जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बी के कोरस्पोंडिंग जो है यूनिक ट्रांजिशन नहीं है। बी के कोरस्पोंडिंग आप स्टेट नंबर वन पे भी ट्रांजिशन कर रहे हैं और स्टेट नंबर टू पे भी आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो मीन्स क्या है यहाँ पे यूनिकली द ट्रांजिशन आर नॉट यूनिकली डिटरमाइंड, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द एनएफए। बट इन डीएफए देर आर यूनिक ट्रांजिशन। द डीएफए मेन प्रॉपर्टी इज देर इज ए यूनिक ट्रांजिशन बाय देयर इनपुट सिंबल्स और सोर्स स्टेट। द रीडिंग ऑफ इनपुट सिंबल आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल स्टेट। मीन्स क्या है कि आप डीएफए के अंदर जो है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, हर स्टेट पे एट ऑन ईच स्टेट यू शुड मेक द ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग टू ईच इनपुट अल्फाबेट। सपोज करो कि आपके पास इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए कोमा बी। क्या है इनपुट अल्फाबेट? आपके पास ए कोमा बी है। डीएफए के अंदर पर्टिकुलर स्टेट पे आपको ए के कोरस्पोंडिंग भी ट्रांजिशन करनी है और बी के कोरस्पोंडिंग भी ट्रांजिशन करनी है। इन डीएफए यू मेक श्योर दैट यू शुड मेक द ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग टू द डीएफए कोरस्पोंडिंग टू ईच इनपुट अल्फाबेट। बट इन एनएफए इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। यू मे और मे नॉट मेक द ट्रांजिशन, यू कैन मेक द ट्रांजिशन और यू आर नॉट मेक द ट्रांजिशन, इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स नॉट ए मैंडेटरी कंडीशन। एज यू सी इन एग्जाम्पल, कोरस्पोंडिंग टू एट स्टेट नंबर टू देर इज नो ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग टू इनपुट अल्फाबेट, दैट इज ए और ए कोमा बी। बट इन डीएफए एट एवरी स्टेट, एज यू नोट एट एवरी स्टेट देर इज ए ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग टू इनपुट अल्फाबेट ए कोरस्पोंडिंग टू ए एंड बी। हियर यू सी ए ट्रांजिशन, बी ट्रांजिशन एट दिस स्टेट, ए ट्रांजिशन, बी ट्रांजिशन एट दिस स्टेट, बी ट्रांजिशन, ए ट्रांजिशन। मीन्स इन डीएफए यू शुड मेक द ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग टू ईच इनपुट अल्फाबेट, बट इन एनएफए इट इज नॉट मैंडेटरी। यू मे और मे नॉट मेक द ट्रांजिशन। नेक्स्ट वी सी
नेक्स्ट लेट्स बी डिस्कस द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनएफए एंड डीएफए. समटाइम क्वेश्चन आस्क्ड इन थ्योरी क्वेश्चन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आर आस्क्ड इन मेनी एग्जाम एज आई नोटिस दैट इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस. आई मेंशन हियर मेन डिफरेंस. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनएफए एंड डीएफए. DFA are not capable of using MPT transition. DFA के अंदर हम MPT transition नहीं करते हैं. There is no MPT transition जिसको हम बोलते हैं. MPT string कौन सी होती है हमारी? Null जो होती है वो MPT string होती है. कहीं 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 पे ये lambda की form में भी मिलती है. कहीं कहीं पे कहाँ पे किस form में भी मिलती है? Null को कहीं कहीं पे आपको इस form में मिलेगा, कहीं पे इस form में मिलता है. एम्प्टी स्ट्रिंग कौन सी होती है आपकी? जो नल स्ट्रिंग होती है वो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है. देर इज नो ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द नल. नल के कोरस्पॉन्डिंग डीएफए में कोई ट्रांजिशन नहीं होते हैं. एनएफए कैन यूज एम्प्टी ट्रांजिस्टिंग ट्रांजिशन बट इन एनएफए वी कैन मेक द ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द नल. जीरो लेंथ स्ट्रिंग वी कैन से दैट with the corresponding null. You can say that as you notice. It's your initial state. You make the transition like that. This is allowed in NFA. This is allowed in NFA, but in DFA it is not allowed. सेकेंड डिफरेंस इज दैट इट इज पॉसिबल टू यूज बैक ट्रैकिंग इन डीएफए. हम डीएफए में बैक ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं लेकिन एनएफए में हमेशा बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है. समटाइम बैक ट्रैकिंग हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है. हम बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही बैक ट्रैकिंग नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है बैक ट्रैकिंग होता है. लेकिन एनएफए में सॉरी डीएफए में हमेशा बैक ट्रैकिंग होता है. जो डीएफए होता है कॉम्प्लेक्स, जो डीएफए का जो स्ट्रक्चर होता है स्टिल कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है. कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है टू डिजाइन. एनएफए इज मोर इजीली टू कंस्ट्रक्ट इन कंपैरिजन टू डीएफए. मीन्स आप एनएफए को इजीली डिजाइन कर लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू डीएफए. क्यों? बिकॉज इन एनएफए देर इज नो सच मैंडेटरी कंडीशन. यू शुड मेक द ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट अल्फाबेट ऑन द ऑन every state. But in DFA there is a mandatory condition corresponding to every input alphabet. There is a transition on each state. All DFAs are derived from NFA. Means क्या है? हर NFA से मतलब कोई भी आपके पास दुनिया में कोई भी NFA दिया हुआ है उसे आप DFA बना सकते हैं, उसको आप DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन डीएफए को आप एनएफए में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. डीएफए को आप एनएफए में कन्वर्ट नहीं कर सकते. कुछ डीएफए हो सकते हैं कि आपके एनएफए में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन हर डीएफए को आप एनएफए में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है. आई रिपीट वंस अगेन, वी कैन कन्वर्ट ऑल एनएफए इंटू डीएफए. हम हर एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. दिस इज द मेन पॉइंट दैट द स्टूडेंट्स आर गेट कंफ्यूज्ड हियर. द नंबर रिलेटेड टू द नेक्स्ट स्टेट इज वन. नेक्स्ट स्टेट इज वन मीन्स की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. दिस लाइन सेज देयर इज अ यूनिक ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट अल्फाबेट ऑन इच स्टेट. The number related to the next states either 0 or 1. Means क्या है कि आपकी NFA में क्या है कि आपके corresponding to input alphabet transition हो भी सकता है और transition नहीं भी हो सकता है. More than one transition भी हो सकता है. आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे either 0. 0 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे null transition भी allowed है. Empty string के साथ आप transition कर सकते हैं. मोर स्पेस अलोकेशन नीडेड. जो डीएफए होता है इसमें नंबर ऑफ स्टेट जो है एनएफए के कंपैरिजन में ज्यादा होती है.
जो डेड स्टेट आती है जिसको हम ट्रैप स्टेट बोलते हैं, वो हमेशा डीएफए के अंदर प्रेजेंट होती है। एनएफए में डेड स्टेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एनएफए में जो है स्पेस कम लगता है। डीएफए के अंदर जो है डेड स्टेट, इन डीएफए देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डेड स्टेट और ट्रैप स्टेट, यू कैन से दैट। बट इन एन एफ ए देर इज नो सच काइंड ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड ट्रैप स्टेट और डेड स्टेट, नो कॉन्सेप्ट इन एन एफ ए। डेड स्टेट और ट्रैप स्टेट आपकी सिर्फ डीएफए के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है आपका लेस टाइम रिक्वायर्ड टू रन एनी इनपुट स्ट्रिंग्स। डीएफए में अभी इसने ऐसा क्यों बोला, आप बोल रहे हैं स्पेस तो इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि आपका यहाँ पे हर इनपुट सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ट्रांजिशन होती है और पर्टिकुलर स्टेट पे होती है, यूनिकली ट्रांजिशन होती है। आपको पता है कि बाय रीडिंग द इनपुट सैंपल ऑन स्टेट नंबर Q0 वेर यू गो, बाय रीडिंग द इनपुट सैंपल बी ऑन स्टेट Q0 वेर यू गो, क्लियरली डिफाइंड। बट इन एनएफए में ऐसा नहीं है। एनएफए में क्या होता है कि मोर देन वन ट्रांजिशन होती है कोरस्पॉन्डिंग टू वन इनपुट अल्फाबेट, इसलिए यहाँ पे एम्बिग्यूटी जो है एनएफए के अंदर आ जाती है। यूनिक ट्रांजिशन फॉर गिवन इनपुट अल्फाबेट, मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर गिवन इनपुट अल्फाबेट, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनएफए एंड डीएफए। और ये जो पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं, आप इन पॉइंट को ध्यान से देखना, रटना नहीं है, बिल्कुल समझने की कोशिश करना है, एक एक पॉइंट को समझना है। अगर सही नहीं समझ आता है, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना है, आई विल क्लियर योर डाउट। कहीं पे भी रटना नहीं है बिल्कुल भी। रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो मैं आपको बना चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।